ये है सोनी का माइक, सोनी का ECM। आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देखा ही होगा, मैं BMC का कैसे क्लीन करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल RGS Vlogs। और ये है, नहीं वो है मेरा स्कूटर, और इसमें आज हम लोग BMC का एक रेगुलर सर्विसिंग करने वाले हैं। इसको हम लोग आज क्लीन करने वाले हैं। और गाइज, आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखाना है। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बोला था कि एपिलिया का इस मॉडल का स्टैंड अच्छा नहीं है, पर हर बार एक नट गुम हो जाता है। इस बार भी सेम ही हुआ है मेरे साथ, अंदर एक नट गुम हो गया है। उसके लिए स्टैंड जो है बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गया है, किसी भी वक्त ये खुलकर गिर सकता है रोड में। तो इसको एक बार अच्छे से शोरूम में दिखाना पड़ेगा कि मेन दिक्कत क्या है इस स्टैंड का कि बार बार खुल जाता है। और गाइज, ये रहा मेरा एयर फिल्टर बॉक्स, और इसको आज हम खोल के साफ़ करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक और अच्छी सी खास चीज़ दिखाना है, पहले आप लोग वो देख लो। सो गाइज, ये रहा वो प्रोडक्ट, ये है सोनी का माइक, सोनी का ECM LV1। तो चलिए इसका पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं क्या क्या देता है। सो इसको मैंने ख़रीदा था अमेजोन से, और ये ऐसे पैकिंग में ही आया था, लाइक ऊपर एक प्लास्टिक का जो पैकिंग रहता है वो नहीं था। और गाइस, बॉक्स के अंदर ये कुछ पुस्तकें आता है, ये रहा बॉक्स, और ये रहा वो माइक। पैकिंग खुला हुआ था इसलिए मैंने पहले ही इसको निकाल के चेक कर लिया था, इसलिए इसके ऊपर जो डेड कैट है वो लगा हुआ है। मैं आपको लोगों को एक बार डेड कैट हटाकर भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, डेड कैट के बिना कुछ ऐसा दिखता है माइक। इस माइक से आप लाइक एक डॉल्बी साउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट और राइट का के लिए अलग अलग माइक है, और इसका लेंथ भी अच्छा खासा है। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे हेलमेट पे, और ये रहा वो डेड कैट। इससे पहले मैं मोनो का माइक यूज़ कर रहा था, अभी मैं फ़िलहाल मोनो का माइक से ही बात कर रहा हूँ। ये रहा वो मोनो का बक्सा, थोड़ा टूटा फूटा हालत में है, AU 400 जो है। तो इसके बाद का ऑडियो हम लोग इस माइक से ही रिकॉर्ड करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस माइक का परफॉर्मेंस कैसा है। सो गाइस, चलिए पहले एयर फिल्टर बॉक्स को खोल लेते हैं, उसके बाद खोलेंगे एयर फिल्टर। एप्रिलिया SXR 160 और SR 160 सेम ही है, बॉडी लाइक फेयरिंग को छोड़ के बाकी सब सेम है। सो एयर फिल्टर का बॉक्स खोलने के लिए सिर्फ 7 स्क्रू को आप लोगों को खोलना पड़ेगा। वो 7 स्क्रू अनस्क्रू करने के बाद बाहर का कवर निकल जाएगा। सो चलिए पहले कवर को खोल लेते, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ मैं। गाइस, फाइनली एयर फिल्टर का कवर खुल चुका है। एयर फिल्टर का कवर खोलने के बाद आप लोगों के सामने डायरेक्टली जो एयर फिल्टर है वो आ जाएगा, और ये पूरा धूल धूल हो चुका है। एयर फिल्टर खोलने के लिए आपको 6 स्क्रूओं को अनस्क्रू करना पड़ेगा, उसके बाद जो है एयर फिल्टर डायरेक्टली निकल जाएगा। और एक बात, एयर फिल्टर को लगाने के समय आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो स्क्रू है वो एक्सेस टाइट नहीं करना, वरना जो BMC का एयर फिल्टर है वो डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टॉक एयर फिल्टर है वो लाइक प्लास्टिक का ABS मटेरियल का होता है, पर ये जो है ये थोड़ा रबर टाइप का मटेरियल का है, और ये है वो 6 स्क्रू। चलिए पहले इस 6 स्क्रूज को अनस्क्रू करते, उसके बाद बाकी प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और हमारा एयर फिल्टर फाइनली बाहर आ चुका है। अंदर का जो साइड है वो तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, पर जो बाहर का साइड है वो बिल्कुल कचरा हो चुका है। और एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, वो ये है कि जो एयर फिल्टर कवर का स्क्रू है और जो एयर फिल्टर का स्क्रू है, उन दोनों को आप लोगों का अलग अलग रखना है, क्योंकि दोनों स्क्रू डिफरेंट है। अगर मिक्स हो गए तो एयर फिल्टर को लगाने के समय आप लोगों को दिक्कत भी आ सकता है।
और एयर फिल्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंजन का, सो इससे छेड़खानी ना करना ही अच्छा होगा। और गाइस ये रहा मेरा BMC का एयर फिल्टर, ये फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गंदा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसका आप लोगों को एक रूटीन वाइज क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से मेंटेन करने के लिए। इसका क्लीनिंग के लिए BMC का ये डिटर्जेंट आता है, ये रहा BMC डिटर्जेंट, इसका एक ऐसा टिप मिलता है और उसके बाद इसको ऑयलिंग करने के लिए ये आता है BMC का, ये एक स्प्रे टाइप पैटर्न में है और रेड कलर का एक स्प्रे निकलता है जो ल्यूब का काम करता है। आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देखा ही होगा मैं BMC का कैसे क्लीन करते हैं, इसके साथ से इसके शॉर्ट रिव्यू भी देने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखें पूरा जानने के लिए कि BMC का क्या बेनिफिट्स है और क्या नुकसान है। और एक और चीज़, ये रहा एयर फिल्टर कवर, इसको भी आप लोग अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पर भी मिट्टी मिट्टी होता है, ये मिट्टी भी आप लोगों को क्लीन करना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये प्लस या कुछ है तो इसको भी खोल के क्लीन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो एयर फिल्टर के वहाँ पेट्रोल या ऑयल उठता है तो वो आके यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। सो गाइस क्लीनिंग का प्रोसेस आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। आप लोगों को एयर फिल्टर खोलने के बाद कुछ इस तरीके से टैप टैप करके गंदगी जो है लूज डस्ट उसको फेंकना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो लूज डस्ट था जो ऊपर से चिपका हुआ था वो सब निकाल चुका है। उसके बाद इस जगह को मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ ताकि काम अच्छे से हो सके। सो उसके बाद आप लोगों को अपना एयर फिल्टर लेना है और जो डिटर्जेंट आता है उसको डायरेक्टली इसके ऊपर डालना पड़ेगा कुछ ऐसे, और दोनों साइड डालना है ताकि अच्छे से क्लीन हो सके। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया, पर यहाँ पर आप लोग अगर इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि जो ऑयल है वो ऑयल निकल रहा है और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द। और गाइस मैंने जब एयर फिल्टर लगाया था मैंने मेरा स्कूटर का फर्स्ट सर्विस के बाद ही मैंने एयर फिल्टर चेंज कर लिया था, मैंने BMC का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा लिया था। सो एक अच्छा खासा नॉलेज आ गया है, 500 किलोमीटर मैंने लगाया था और अब मेरा स्कूटर टोटल 11,000 अप्रॉक्स चल चुका है। सो BMC का अगर नुकसान का बात करें तो एस सच कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों को ये एयर फिल्टर खोल के टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप लोग टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करोगे तो इस एयर फिल्टर की वजह से आप लोगों का माइलेज बढ़ेगा, आप लोगों का जो टॉर्क है जो इनिशियल पावर है वो बढ़ जाएगा और इस तरीके से आप लोगों को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि माइलेज बढ़ रहा है और टॉर्क बढ़ रहा है। उसके बाद आप लोगों को हर सर्विसिंग में एयर फिल्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा, लाइफ टाइम एयर फिल्टर है। और इसको क्लीन करने के लिए जो रिचार्ज पैक आता है वो भी आप लोग खरीद लीजिएगा एयर फिल्टर खरीदने के साथ ही। एयर फिल्टर जब आता है तो वो प्री ऑयल्ड रहता है, सिर्फ आप लोगों को स्टॉक एयर फिल्टर खोल के ये एयर फिल्टर लगाना पड़ेगा। पर आपके वहाँ डस्ट कितना है, धूल मिट्टी रोड में कितना है, हवा में कितना है, वो सब ध्यान में रख के आप लोगों को ये इस्तेमाल करके इसको क्लीन करना पड़ेगा। और क्लीनिंग का एक बहुत ही वाइटल जो कुछ पॉइंट्स है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। मैंने जो डिटर्जेंट डाला है उसको आप लोगों को 10 से 15 मिनट के लिए लगाना पड़ेगा। मैंने टाइमर लगा लिया था पर मैं आप लोगों को बोलना भूल गया था,
10 से 15 मिनट लेता है ये साफ होने के लिए। और जो जो चीज़ आप लोगों को नहीं करना है वो है कि आप लोगों को ना ही जो लाइक प्रेशराइज्ड एयर है जिससे गाड़ी धोने के बाद पानी वगैरह साफ़ करता है या कुछ डस्ट पार्टिकल साफ़ करते हैं गैरेज में रहता है वो, उस प्रेशर्ड एयर के हेल्प से आप लोगों को ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना है। अगर आप लोगों उस एयर से आप इसको क्लीन करोगे तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद धोने के समय ना ही आप लोगों को प्रेशर वाटर का यूज़ करना है, ना ही कुछ गर्म ठंडा पानी ऐसा कुछ यूज़ करना है। आप लोग जस्ट नॉर्मल टैप वाटर के नीचे इसको क्लीन करना पड़ेगा, वरना अगर आप लोग ज़्यादा प्रेशर से इसको क्लीन करोगे तो यहाँ पर जो थ्रेड्स है जो पैटर्न बना हुआ ये अगर डैमेज हो गया तो आपका इंजन भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल लीक करना शुरू हो जाएगा। और अगर बहुत महीने हो गए आप इसको क्लीन कर ही नहीं रहे तो आप लोगों का माइलेज भी गिरेगा, आप लोगों का स्कूटर और बाइक या गाड़ी जो भी वो स्ट्रगल भी करेगा। सो अच्छे से आप लोगों को मेंटेन करके इसको रखना पड़ेगा। क्लीन करना है तो सिर्फ इससे, और लूब करना है तो सिर्फ इससे। और गाइस यहाँ पर 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ये रहा एयर फिल्टर। आप लोगों को एयर फिल्टर क्लीन करने के समय लाइक ये जो है वो ये बाहर वाला साइड है जहाँ पर डस्ट चिपकता है, इसको आप लोगों को नीचे की तरफ रखना है, और जो क्लीन साइड है उसको आप लोगों को ऊपर की तरफ रखना है। उससे क्या होगा कि आप जब टैप खोलोगे उस समय जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अच्छे से निकल जाएगा, पर अगर आप लोग ऐसे करोगे गंदा वाला पार्ट वाटर के साइड पर रख के तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो और ज्यादा फंस सकता है। तो चलिए पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। एयर फिल्टर जो है बहुत हद तक साफ हो चुका है, फिर भी एक बार और हम लोग पानी से साफ कर लेते हैं। इसके साथ ही जो एयर फिल्टर का कवर है इसको भी हम लोग धो लेते हैं। इसको आप लोग जो है वो एक सिंपल माइक्रोफाइबर क्लॉथ के हेल्प से भी साफ कर सकते हो, पर मैं इसको धोना ही प्रेफर करता हूँ स्पेशली लाइक जो डिशवाशर है इससे, क्योंकि ये यहाँ जो है वो ग्रीस जम जाता है, ग्रीस और धूल मिलके एक बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा कचरा बन जाता है। तो जो डिशवाशर है ये एक बहुत ही अच्छा डिश जो है डिग्रीसर का काम करता है, जो इसके मदद से हम लोग इसको एक लाइक थोड़ा डिग्रीस कर लेंगे। और गाइस सुखाने के समय भी आप लोगों का एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इसको जो है नेचुरली सूखने देना है, ना ही इसको आप लोगों को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, ना ही इसको आप लोगों को हेयर ड्रायर से सुखाना है। एकदम खिड़की में जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना आता हो वहाँ पर इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, ये ऑटोमेटिकली सूख जाएगा। और यहाँ पर जो लूज़ वाटर पार्टिकल्स है उसको आप लोग एक कपड़े की मदद से साफ कर सकते हो, बाकी जो ये जाली वगैरह है इसको आप लोगों को नेचुरली सूखने देना है। और कपड़े से बहुत ज़्यादा प्रेशर से मत सुखाइएगा क्योंकि यहाँ पर डैमेज नहीं होना चाहिए। सो चलिए इसको पहले सूखने देते हैं, उसके बाद फिटिंग के समय बाकी बात करते हैं। और गाइस आज है डे टू। मैं मेरा एयर फिल्टर को ऐसे ही ओवरनाइट रख दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। वैसे सूखने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता, लाइक एक से डेढ़ घंटा लेता है, दो घंटा मैक्स, बट रिक्स नहीं लेने का ना। और ये है BMC का जो एयर फिल्टर का ल्यूब है, इससे अच्छे से हमें इस एयर फिल्टर को ल्यूब करना पड़ेगा ताकि डस्ट पार्टिकल्स इसे चिपक सके।
बोथ साइड हमें ल्यूब करना है अच्छे से, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। उसके बाद कुछ समय के लिए इसको आइडियल रखना है ताकि एक्सेस ऑयल गिर जाए। उसके बाद हमें जो है वो फिटिंग्स करना पड़ेगा। और गाइस, एयर फिल्टर को अच्छे से ल्यूब करने के बाद जो एयर फिल्टर का कलर है वो पूरा लाल हो जाएगा और जो एक्सेस ऑयल है वो अच्छे से गिरना चाहिए, वरना जो आपका एयर फिल्टर बॉक्स है वो फिर से चिपचिपा हो सकता है। सो चलिए एक्सेस ऑयल को पहले गिरने देते हैं, उसके बाद जो है फिटिंग्स चालू करते हैं। और गाइस, चलिए एयर फिल्टर बॉक्स को फिट कर लेते हैं। और फिट करते करते आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करता हूँ। वो ये है कि आप लोगों को कुछ दिनों के लिए जो आपके गाड़ी का जो माइलेज है वो थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जो एयर फ्लो है वो सडनली बढ़ जाएगा। सो आप लोगों का गाड़ी का जो ECU है, अगर आपका गाड़ी BS6 है तो एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो फिटिंग्स के बाद 10 मिनट के लिए आप लोगों का गाड़ी स्टार्ट देकर आइडियल में छोड़ दो। तो क्या होगा कि इसे बहुत हद तक एडजस्ट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा माइलेज में फॉल नहीं आएगा और आवाज़ भी आप लोगों का गाड़ी का थोड़ा बेसफुल हो जाएगा और थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि एयर फिल्टर जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। और गाइस, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त BMC का कोई भी एयर फिल्टर ख़रीदना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का रीच भी बढ़े और उस बंदे का भी हेल्प हो जाए। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।